आज हम इस एपिसोड में एलिमेंट्री ड्राइंग एग्जाम का प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। आज का यह क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन होगा। आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो आपको ड्राइंग एग्जाम गाइड इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकन को ऑल क्लिक करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना। प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास राउंडर, इसे कंपास भी बोलते हैं, स्केल और पेंसिल, इस ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। पहले हम इंग्लिश, हिंदी और मराठी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसका अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करना है और उस क्वेश्चन को समझ लेना है। इंग्लिश क्वेश्चन, सेक्शन 3, एंगल, एग्जांपल 7, टू ट्राइसेक्ट अ राइट एंगल। क्वेश्चन, ड्रॉ अ राइट एंगल एबीसी एंड ट्राइसेक्ट इट। हिंदी प्रश्न, विभाग तीसरा कोण, बिना चांद के समकोण को 3 समान भागों में बांटना। प्रश्न, एक समकोण यानी काटकोण ले और इसे 3 समान भागों में बांटना। मराठी प्रश्न, काटकोण काढून त्याचे 3 समान भाग करा। इस प्रकार से यह क्वेश्चन हमने इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में देखे हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें एक राइट एंगल निकालना है, यानी 90 डिग्री का एक एंगल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने समकोण निकालना सिखाया है। उस क्वेश्चन को देखकर, वीडियो को देखकर आप समकोण निकाल सकते हो। पहले हमें एक समकोण निकालना है। यहाँ पर एक लाइन लेना है, उस लाइन का डिस्टेंस, लंबाई हमें अप्रोक्सीमेटली लेना है। यहाँ पर बी पॉइंट नाम देना है, यहाँ पर सी पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर हमें एक राइट एंगल यानी समकोण निकालना है, काटकोण निकालना है। तो यहाँ पर हमें प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना है, तो इस राउंडर कंपास की मदद से यहाँ पर हम राइट एंगल बनाएंगे। चलो बी पॉइंट पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर हमें कंपास में अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लेकर एक हाफ सर्कल, सेमी सर्कल लेना है। इस प्रकार से सेमी सर्कल से यहाँ पर बीसी लाइन पर 2 पॉइंट मिले हैं। पहले वाले पॉइंट पर यहाँ पर हम नाम भी दे सकते हैं, 1 और 2। पहले वाले पॉइंट पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर बी से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में लेकर ऊपर वाले हिस्से पर, बी के ऊपरी वाले हिस्से पर हमें एक आर्क बनाना है। उसी डिस्टेंस से बी पॉइंट से उस आर्क पर दूसरा आर्क बनाना है। दोनों आर्क एक दूसरे को जहाँ पर क्रॉस हुए हैं वहाँ पॉइंट लेना है। उस पॉइंट को और बी पॉइंट को जोड़ना है, इसे केयरफुली जोड़ना है, यहाँ गलती नहीं करना है। इस प्रकार से इस वाले पॉइंट को नाम देना है ए। ए बी सी, यह हमारा राइट एंगल 90 डिग्री वाला समकोण तैयार हो गया। अब इस समकोण के हमें समान 3 भाग बनाने हैं, 3 हिस्से समान बराबर बनाने हैं। तो यहाँ पर हमें कंपास का यूज करना है। इस प्रोटेक्टर का यूज यहाँ पर नहीं होगा, तो बी पॉइंट पर हमें कंपास का स्टील वाला पॉइंट, राउंडर का स्टील वाला पॉइंट रखकर कंपास में हमें अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लेकर ऐसा एक आर्क बनाना है। इस प्रकार से इस कंपास में, इस राउंडर में सुटेबल ऐसा रेडियस यानी अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लेकर यहाँ पर एक आर्क बनाया है। इस आर्क ने एबीसी इस राइट एंगल को यहाँ पर क्रॉस किया है, एबी लाइन के यहाँ पर क्रॉस किया और बीसी लाइन को यहाँ पर क्रॉस किया। यहाँ पर नाम देना है एक्स और यहाँ पर नाम देना है वाई।
अब हमें इसमें सेम डिस्टेंस रखना है, ये जो रेडियस है इसे सेम रखना है, और यक्स पर इस राउंडर का स्टील वाला पॉइंट रखकर हमें एक आर्क लेना है इस प्रकार से। इस आर्क ने एक्स वाई आर्क को यहाँ पर क्रॉस किया है, यहाँ पर पॉइंट मिला है यम। बच्चों इसमें जो डिस्टेंस है हमने पहले लिया था वही रखना है, उसे कम ज़्यादा नहीं करना है। डिस्टेंस कम ज़्यादा हो गया तो इस एंगल के राइट एंगल के समान तीन हिस्से नहीं होंगे। अब यही डिस्टेंस है वाई बिंदु पर कंपास का राउंडर का स्टील वाला पॉइंट रखकर हमें एक दूसरा आर्क एक्स वाई आर्क पर निकालना है, और दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस कर गए, वहाँ पर पॉइंट मिला है उसे नाम देना है यन। अब हमें बी एन और यम पी पीएम को जोड़ना है इस प्रकार से। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बच्चों हमारा क्वेश्चन सही आया है कि नहीं इसे हमें देखना है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्टर लेना पड़ेगा। यहाँ हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया था तो बी पॉइंट से प्रोटेक्टर का सेंटर वाला पॉइंट मैच करना है, ये ब्लैक वाली लाइन नीचे वाली बी सी लाइन से मैच करना है। ये देखो हमारा जो राइट एंगल है वो सही आया था। तो इसके तीन हिस्से हुए कि नहीं, पहला 30, दूसरा 60 और तीसरा 90, ये क्वेश्चन हमने सही सॉल्व किया है। बच्चों आज का यह क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।